हेलो व्यूअर्स, बिजोलिया कृषक आंदोलन ऑडियो लेसन फॉर आरएएस एग्जाम। बिजोलिया आंदोलन का सूत्रपात 1897 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न आरएएस 99 में आया हुआ है। 1929 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हरिभाव उपाध्याय ने किया। बिजोलिया ऊपरवाल मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका था। यहाँ के उमराव जी राव जी कहलाते थे। अशोक परमार इस ठिकाने के संस्थापक हैं। भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन है ये। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह अहिंसात्मक आंदोलन है ये बात ध्यान रखने की है। इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। बिजोलिया विंध्याचल के ऊंचे पठार पर बसा लगभग 256 वर्ग किलोमीटर का 83 गांवों का समूह था। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। कुंता बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने की प्रथा है। इससे जुड़े हुए राव कृष्ण सिंह बिजोलिया शासक, इनके समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें यानी कर वसूल किए जाते थे। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में बिजोलिया की जनता पर एक और नया कर चंवरी कर लगाया, जिसमें लड़की के विवाह पर करीब 5 रुपये लिए जाते थे। चंवरी बिजोलिया के किसानों पर कर लगाया गया था और इसे विवाह कर भी कहते हैं। उसके बाद एक और कर था जिसे कहते हैं तलवार बंधाई। राव कृष्ण सिंह के उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह के द्वारा 1906 में लगाया गया कर, जिसे उत्तराधिकार के समय तलवार धारण करने पर ठिकानेदार को महाराणा को नजराना के रूप में देना पड़ता था। माणिक्य लाल वर्मा ठिकाने की सेवा त्याग कर आंदोलनकारियों के साथ हो गए। सन 1916 में पथिक जी बिजोलिया आए और माणिक्य लाल वर्मा व साधु सीताराम के सहयोग से विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से बिजोलिया के किसानों को संगठित किया। 1917 में पथिक जी ने बेरीसाल गांव के 13 सदस्यों की एक संचालक समिति का गठन किया, जिसका नाम पंच बोर्ड रखा गया। माणिक्य लाल वर्मा मन्नालाल पटेल, लक्ष्मण पटेल तथा जगन्नाथ पटेल के नेतृत्व में एक केंद्रीय कमेटी बनाई गई। तुलसी भील यह बिजोलिया आंदोलन में किसानों का एक असाधारण संदेशवाहक था। राजस्थान केसरी अखबार के माध्यम से सन 1920 में पथिक जी ने किसानों की आवाज़ देशवासियों तक पहुंचाई। मेवाड़ सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया, जिसके सदस्य ठाकुर अमर सिंह, मुंशीराम बिजोलिया, अफजल अली मजिस्ट्रेट और बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ के हाकिम थे। इस कमीशन ने सिफारिश की कि बिजोलिया के किसानों की मांगें न्याय संगत हैं, किंतु ठिकानेदार ने कमीशन की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 ईस्वी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बंदी किसानों को मुक्त कराने में अपना योगदान दिया। एजीजी हॉलैंड, ब्रिटिश हुकूमत ने बिजोलिया समस्या के समाधान के लिए सन 1922 में इनके नेतृत्व में एक कर्मचारी मंडल भेजा। 1927 में विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा में मतभेद हो गया। इस वजह से विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट बिल्किंसन के मध्यस्थता से हुआ।